हम लोग भूकंप विज्ञान यानी सेस्मोलॉजी में देखे कि इलास्टिक एनर्जी वेव के थ्रू चलती है, तो आइए देखते हैं कि ये इलास्टिक एनर्जी की सेस्मिक वेव कितनी टाइप की होती हैं। इनको तीन कैटेगरी में सेस्मोलॉजिस्ट ने डिवाइड किया है जिसको सेस्मोग्राफ रिकॉर्ड करता है। एक है पी वेव, दूसरी है सेकेंडरी एस वेव, तीसरी है एल वेव और चौथी सुनामी वेव भूकंप जनित है, भूकंप वेव नहीं है। इस तरह से इन तीन भूकंपी तरंगों को समझने के लिए आपको एक छोटा सा उदाहरण लेना पड़ेगा और उसके लिए आपको दोपहर का शो है, सिनेमा हॉल है और सूरज ठीक ओवरहेड है और खिड़की या विंडो पर एक लंबी लाइन लगी हुई है, फिल्म शुरू होने वाली है और आगे वाला कस्टमर निश्चिंत होकर के वो परचेज कर रहा है टिकट सिनेमा का, लेकिन लंबी लाइन में सबसे पीछे वाला बहुत ही निराश हो रहा है कि मेरा नंबर कब आएगा, फिल्म तो शुरू हो जाएगी। वह हताशा में पीछे से एक धक्का देगा, परिणाम होगा कि वह धक्का अगले को फिर अगले को इस तरह से धक्का लगता हुआ आगे जो निश्चिंत होकर प्रसन्न होकर टिकट ले रहा है शायद उसका मुंह खिड़की से टकरा जाएगा, तो उसकी आँखें तो फिल्म देखेंगी लेकिन उसके चेहरे की फिल्म बिगड़ सकती है और इसका परिणाम क्या होगा कि टिकट पैसा जेब में रखने के बाद वह दोनों खिड़की अपने हाथ से पकड़कर पीछे की तरफ पुश करेगा। ये धक्का पीछे जाएगा कहाँ तक, सबसे पीछे वाले कैंडिडेट के पास। परिणाम क्या होगा, इस धक्के से सबसे पीछे वाला गिर जाएगा पीछे, अब निराशा और बढ़ जाएगी। परिणाम क्या होगा कि जब वो जान गया कि मैं गिर भी सकता हूँ, टिकट भी नहीं मिलेगा, सिनेमा भी छूट रहा है, तो थोड़ा सा और पीछे जाके लंबा रेंज लेकर के फिर एक धक्का देगा। परिणाम क्या होगा कि वह वेव फिर आगे बढ़ेगी और जो टिकट विंडो पर लगा हुआ है उसके ऊपर फिर दबाव पड़ेगा। बस यही है पी वेव या प्राइमरी वेव, ये चलती रहेगी लगातार जब तक कि टिकट विंडो पर लोग रहेंगे, और इस तरह से चलने वाली वेव को प्राइमरी वेव कहते हैं और इसको लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स ज्योग्राफी में दो टर्म होते हैं। लॉन्गिट्यूडनल माने लंबा लंबा, जैसे यदि किसी चींटी को इस छड़ी को लॉन्गिट्यूडनल या अनुदैर्ध्य यात्रा कर पार करना है तो यहाँ से स्टार्ट करेगी और ऐसे जा करके और अंत में यहाँ पर उतर जाएगी, लेकिन अगर चींटी को ट्रांसवर्स पार करना है तो इस साइड से ऐसे क्रॉस करके निकल जाएगी। हिमालय को भी हम लॉन्गिट्यूडनल स्टडी करते हैं, लंबा लंबा रेंज, ट्रांसवर्स स्टडी करते हैं। गंगा की लॉन्गिट्यूडनल स्टडी भी होती है, ट्रांसवर्स भी स्टडी होती है। इस तरह से यह वेव लॉन्गिट्यूडनल चल रही है और यह साउंड की तरह से प्रोपोगेट होती हैं आगे पीछे, इसलिए लाइक साउंड चलती हैं। और इनकी एक खासियत है कि यह लगभग हर मीडियम में पार कर जाती हैं, पृथ्वी के अंतराल में मीडियम में चेंज होता है और यह क्रस्ट से लेकर कोर तक हर जगह चलती हैं। फिर इनकी एक विशेषता है कि जैसा कि देख रहे हैं कि इनकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाई होती है और हाई फ्रीक्वेंसी होने के कारण ये बहुत तेज चलती हैं, 40% फास्टर दैन एस वेव, सेकेंडरी वेव की तुलना में 40% तेज। इस आंकड़े की ज़रूरत पड़ेगी अभी हमको कैलकुलेट करने में कि कैसे एपिसेंटर और फोकस को निकाला जाता है। इस तरह से ये लॉन्गिट्यूडनल वेव लगातार चलती रहेंगी। ध्यान रखिए अभी लाइन लंबी है टिकट खरीदने की, आप एक तो टिकट विंडो पर आशा में जी रहा है, एकदम पीछे वाला निराशा में, लेकिन दोनों के बीच वाला बीच में
जी रहा है। बाय चांस यदि आगे से टिकट विंडो साइड से और पीछे से दोनों तरफ से दबाव पड़ा तो बीच वाला क्या करेगा, वो तो पूर्ण निराश है। इसलिए उस लाइन ऑफ प्रोपोगेशन या प्राइमरी वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव के साथ 90 डिग्री का कोण, प्राइमरी वेव के साथ 90 डिग्री कोण बनाता हुआ एक नया रास्ता निकाल के घर की तरफ चल पड़ेगा। यही होंगी आपकी सेकेंडरी वेव, यस वेव, जिनका जन्म प्राइमरी वेव के कारण ही हुआ है। और ये सेकेंडरी वेव ट्रांसवर्स वेव कहलाती हैं। क्यों? अभी हम लोगों ने कंसेप्ट पढ़ा अनुदैर्ध्य, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। तो जो टिकट विंडो के सामने सबसे पीछे वाले प्रत्याशी के बीच में जो वेव चल रही लंबी लंबी लॉन्गिट्यूडनल हुई, लेकिन उस पर अगर 90 डिग्री कोण बना के कोई दूसरी तरफ चल पड़ा तो वही सेकेंडरी वेव हुई, और वही हुई आपकी ट्रांसवर्स वेव। और यह लाइट की तरह से, लाइट की स्पीड से नहीं, लाइट की तरह से मेन लाइन से डिफ्लेक्ट होकर के आगे बढ़ती है, और इसी को शियर वेव भी कहा जाता है। अब इसकी विशेषता होती है कि पृथ्वी के कोर में नहीं जाती। कैसे? इसको हम लोग अगले मॉडल में देखते हैं। और इन दोनों वेव्स को कलेक्टिवली, सामूहिक रूप से बॉडी वेव कहा जाता है, बॉडी वेव। क्यों? क्योंकि ये दोनों हमारी पृथ्वी के अंदर ही चलती हैं। पृथ्वी को एक बॉडी माना जाए, उसके अंदर ही दोनों चलती हैं, इसलिए दोनों बॉडी वेव्स कहलाती हैं। और इसके बाद अब सोचिए कि जो उस लाइन से, प्राइमरी वेव से बीच वाला प्रत्याशी 90 डिग्री कोण बना के चल पड़ा सेकेंडरी वेव, वो जाएगा कहाँ? वह निराश अपने कमरे में पहुंच जाएगा। और इतने अरमान के बाद कि आईएएस का पेपर अच्छा हुआ, फिल्म देखेंगे, पेपर तो अच्छा हुआ, फिल्म नहीं देख पाया, तो निराशा से उसको अपने कमरे की चीज़ें भी नहीं अच्छी लगेंगी। कोई सामान रखा है, क्रोध में है ना, उसको फेंक देगा। बाल्टी है, पैर से मार देगा। तकिया को उधर फेंकेगा, डिस्टर्ब हो गया ना, मानसिक रूप से वह हैरान हो गया, इसलिए वो अपने कमरे में किस चीज़ का इजहार करेगा, प्रदर्शन लव का। यही है तृतीयक, टर्शियरी वेव। और इसको लव महोदय ने इसके बारे में पता लगाया था, इसलिए इसको लव वेव कहते हैं। और इसके बारे में, ये लव वेव सरफेस पर चलती हैं, पृथ्वी की सतह पर, क्योंकि लव तो सतह की चीज़ ही है। और इसके बारे में रिले महोदय ने भी पता लगाया था। ये लव और रिले सेस्मोलॉजिस्ट थे, भूकंप विज्ञानी थे, और उन्होंने इस वेव के नेचर, लेंथ, मैग्नीट्यूड का अध्ययन कर इनके बारे में बताया। बताइए, लव, जिसका नाम ही लव है, वो क्या करेगा? सेस्मोलॉजिस्ट तो रहेगा ही, लेकिन उसकी विशेषता लव के भी तो होगी। यही तो लव की विशेषता है। और अगर आप लव करते हो तो आप ज़रा सावधानी से लव करिएगा, क्योंकि लव का भी एक क्लासिफिकेशन होता है, उसका हम ज्योग्राफी पजिल में अलग से करेंगे। लेकिन लव ज़्यादा नहीं करना चाहिए। यदि ईश्वर से ज़्यादा लव हो गया तो आदमी अपना समाज परिवार छोड़ देता है, अनुचित है। यदि आपको अपनी पुस्तक से ज़्यादा लव हो गया तो हो सकता है निराशा में वह स्टूडेंट विक्षिप्त हो जाए। यदि लड़का लड़की को एक दूसरे से लव हो गया तो उसको दुनिया में कुछ नहीं दिखता, बस वह एक बहुमूल्य मानव संसाधन को नष्ट कर देता है, जबकि उसका कोई अधिकार नहीं बनता। इसलिए लव बहुत ही खतरनाक चीज़ होती है। बस समत्व बुद्धि से किसी काम को करना चाहिए, और किसी वस्तु को या व्यक्ति को देखना चाहिए। देख नहीं रहे हैं लव महोदय की वेव्स? और ये देखिए कि कितना भी डिस्ट्रक्टिव होती हैं, ओनली ऑन सरफेस, ये पृथ्वी की सतह पे चलती हैं, और मोस्ट डिस्ट्रक्टिव, सबसे ज़्यादा खतरनाक होती हैं। पी वेव उतना खतरनाक नहीं होती, एस भी
कम खतरनाक होती हैं, लेकिन एल वेव सबसे ज़्यादा खतरनाक होती हैं। कैसे होती हैं हम लोग आइए इसको देखते हैं। इसके लिए हमें देखना होगा कि इनकी फ्रीक्वेंसी कैसे होती है। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये पी वेव की सीध में पी वेव की फ्रीक्वेंसी बनी हुई है। फ्रीक्वेंसी मीन्स यहाँ पर हाई फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पर मीडियम फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पर लो फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी माने आवृत्ति या बारंबारता, जिसको कि आप काउंट कर सकते हैं। इतनी ही दूरी में यह अगर 10 बार अप डाउन हो रही है तो उतनी ही डिस्टेंस में यह 5 बार अप डाउन हो रही है तो उतनी ही डिस्टेंस में यह 3-4 बार डाउन हो रही है। इसका मतलब हुआ उतनी ही डिस्टेंस में पी वेव की हाई फ्रीक्वेंसी है, एस वेव की मीडियम फ्रीक्वेंसी है और एल वेव की लो फ्रीक्वेंसी है। और इसमें वेव लेंथ और मैग्नीट्यूड भी देखना होगा। आप देख रहे होंगे कि प्राइमरी वेव में एक वेव की पीक और दूसरे वेव की पीक के बीच में लेंथ कम है, इसलिए लो वेव लेंथ होती है। और इसके बाद ये आपकी सेकेंडरी वेव में यह लेंथ बढ़ जाती है, इसलिए इसकी वेव लेंथ मीडियम हो जाती है। और ये लव या सरफेस वेव में इसकी लेंथ सबसे ज़्यादा हो जाती है, इसलिए हाई वेव लेंथ हो जाती है। तो इस तरह से इसमें आप एम्पलीट्यूड या मैग्नीट्यूड का भी अध्ययन कर सकते हैं, वेव हाइट का। प्राइमरी में वेव हाइट बहुत कम होती है, सेकेंडरी में बढ़ जाती है और लव वेव में हाइट सबसे ज़्यादा हो जाती है। इसी तरह से मैग्नीट्यूड और एम्पलीट्यूड में भी लगातार प्राइमरी वेव से और लव वेव की तरफ बढ़ोतरी होती रहती है। अब आप बताइए, इसी तरह से अगर वेव आएँ तो किस वेव को हम लोग इन्जॉय करेंगे, प्राइमरी वेव को या लव वेव को? इसके लिए आपको किसी एक छोटे से बच्चे से पूछना होगा कि बेटा तुम किस तरह से इन्जॉय कर रहे हो। जैसे एक छोटा सा बच्चा है, इसको मम्मी खिला रही है तो इसको प्राइमरी वेव दे रही है, तो इस तरह से धीरे धीरे कर रही है तो बच्चा अच्छी नींद में सो जाएगा। लेकिन अगर इसको मम्मी ने या मम्मी की बहन ने सेकेंडरी वेव दे दिया या मैग्नीट्यूड बढ़ा दिया तो बच्चा रोना शुरू कर देगा। लेकिन कोई और सहेली आके इसका मैग्नीट्यूड बढ़ाकर और वेव लेंथ बहुत हाई कर दी तो बच्चा पूर्ण आवाज़ के साथ चिल्लाना शुरू कर देगा, क्योंकि वो लव वेव हो गई। बस हमारी इस पृथ्वी पर ये वेव लव वेव होती हैं, जो कि बहुत ही डिस्ट्रक्टिव होती हैं। तो तीनों वेव के बारे में जानकारी के बाद कभी कभी यूपीएससी पूछता है कि इन चार में से कौन सेस्मिक वेव नहीं है। विकल्प में देता है पी वेव, एस वेव, एल वेव, सुनामी वेव। तो कौन उत्तर आप लगाएंगे? सुनामी वेव सेस्मिक वेव नहीं है, क्योंकि यह महासागरों की एक घटना है। हाँ, इतना ज़रूर है कि सुनामी वेव सेस्मिक जनित है या भूकंप जनित है, इसलिए यह भूकंपीय न होकर के भूकंप जनित है। और इसीलिए इसका अध्ययन, सुनामी का अध्ययन, हम लोग एक अलग चैप्टर में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हाल के वर्षों में यूपीएससी ने सुनामी को एक अलग चैप्टर के रूप में जोड़ दिया है, जो कि एक महासागरीय प्राकृतिक आपदा है और इसकी बारंबारता हाल के वर्षों में बढ़ रही है, तो उसको हम लोग अलग से सीखेंगे।